हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संकुलन समता। तो संकुलन समता के बाद में अपने पास जो नेक्स्ट है वो अपने आज न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर देखिए, सबसे पहले कुछ एक तो आपको कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने होते हैं। ठीक है, और उन कंपाउंड के फॉर्मूले को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए अपने उनको बनाने से पहले आप कुछ एक बातें रिपीट कीजिए। जैसे कोई भी अपने पास यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल के कोने पर जो पार्ट होता है वो 1/8 होता है, जो सेंटर होता है उसमें पूरा कंप्लीट 1 होगा, जो फलक होता है उस पर 1/2 होगा, और जो किनारा होता है उस किनारे के ऊपर होगा 1/4। ठीक है, ये अरेंजमेंट होती है। इसके अलावा आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, जो SCC स्ट्रक्चर है उसमें अवयवी कण 1 होता है, जो BCC या ECC होता है उसमें टोटल अवयवी कण 2 होते हैं, FCC या CCP स्ट्रक्चर होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या 4, और HCP के अंदर अवयवी कणों की संख्या 6 होती है। ठीक है, ये कुछ एक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमने रिक्तियों को पढ़ा था। तो अगर मान लीजिए कोई भी अपने पास इकाई कोष्ठिका है, कोई भी क्या है, इकाई कोष्ठिका, उस इकाई कोष्ठिका में अवयवी कण को हम मान लेते हैं कि अवयवी कण कितने हैं, n, तो उसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां होगी, अष्टफलकीय रिक्तियां, ये अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होगी, n होगी, और जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां, ये चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होगी वो 2n हो जाएगी। और अगर यहीं से मैं अगर आपको क्या पूछ लूं, कुल रिक्तियों की संख्या पूछ लूं, तो कुल रिक्तियां कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। ये बातें आपको न्यूमेरिकल या कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने से पहले आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो करते हैं अपने, कि मान लीजिए कोई भी एक इकाई कोष्ठिका है, जैसे SCC संरचना में, ध्यान से समझना, SCC संरचना, या फिर मैं यहाँ पे FCC का नाम दे देता हूँ। FCC संरचना में A परमाणु कोने पर उपस्थित है, A परमाणु, ये क्वेश्चन आप साथ साथ लिख लेना और इनको सॉल्व भी करना, अपनी फेयर कॉपी के अंदर कंप्लीट करना, तथा बी परमाणु केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, यौगिक का सूत्र लिखना है अपने को, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए इसको अपने सोल कैसे करेंगे, तो सोल हम करेंगे बेटा, सबसे पहले FCC संरचना है, और FCC संरचना में A परमाणु कहाँ पे है, कोने पर, और B परमाणु कहाँ पे है, केंद्र में है। जरूरी नहीं है ये केंद्र पे हो, जैसे मान लीजिए किसी संरचना में लिख देते हैं, सबसे पहले अपने ये क्वेश्चन करते हैं किसी संरचना में। ठीक है, तो पहले आपको A के कुल परमाणु निकालने हैं, तो A के कुल परमाणु कितने हो गए, कहाँ पर उपस्थित है, कोने पर, और कोने पर पार्ट 1/8, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये 8 हो गया, तो A परमाणुओं की कुल संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। B परमाणु या फिर B के कुल परमाणु, तो बताइए B के कुल परमाणु कितने होंगे, तो B के परमाणु कहाँ पे है, केंद्र में, और केंद्र में 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से A को 1 लिख दिया और B को 1 लिख दिया, यानी अपने पास कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आ गया, AB, और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं और बदल के ये कर दूं कि दूसरा क्वेश्चन है, आप लिख लेना इसको वीडियो पॉज करके, A परमाणु कोने पर है और B परमाणु है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, फलक पर उपस्थित है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फलक पर उपस्थित है। तो फिर से वही क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे, तो देखिए A के कुल परमाणु कितने हो जाते हैं, तो A परमाणु कोने पर है 1/8 इंटू कोने 8, एक परमाणु हो गया। B परमाणु कहाँ पे है, फलक के ऊपर है,
तो फलक पर पार्ट होता है 1/2, और इंटू के अंदर कितना आ जाएगा, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, इंटू 6, तो ये कितना आ गया, 3। यानी ये ए 1 है और बी कितना है, 3 है। तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया AB3। ठीक है, ये बन गया अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर अपने मान लीजिए कि इसके अंदर और जोड़ देते हैं, जैसे FCC संरचना में A परमाणु कोने पर स्थित है, 2 क्वेश्चन हो गए ये। तीसरा क्वेश्चन, FCC संरचना में A परमाणु कोने पर उपस्थित है, इसकी जगह पे मैं CCP का लिख देता हूँ। ठीक है, इसी के आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, किसी कारणवश या किसी स्थिति में कोने का एक परमाणु क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया तीसरा। CCP संरचना में A परमाणु कोने पर उपस्थित है, किसी स्थिति में कोने का एक परमाणु क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है तथा B परमाणु फलक पर है, यौगिक का सूत्र लिखिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बात वही की वही आ गई। देखो A परमाणु कहाँ पे है, कोने पर, तो कोने पर 1/8 इंटू कोने कितने हो गए, कोने तो 8 होते हैं, CCP स्ट्रक्चर का जिक्र है, कोने 8 हो गए। परंतु आप गौर कीजिए कि किसी स्थिति में कोने का एक परमाणु क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया, तो कोने पर 8 परमाणु थे जिसमें से एक परमाणु है वो क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया, यानी कुल परमाणु कितने बचे, 7। तो ए कितना हो गया, ए हो गया बेटा 7/8, ये बात समझ में आई है। और बी के कुल परमाणु कितने हैं, 1/2 × 6 हो गया, तो ये हो गया 3। ठीक है, क्योंकि बी परमाणु फलक पर है। अब देखिए इसको अगर आपने आगे करेंगे तो ए कितना हो गया, 7/8, और बी कितना हो गया, 3 हो गया। अब जरा गौर करना इस बात पर कि कोई भी परमाणु जो है, कोई भी जो परमाणु है वो 7/8 यानी पॉइंट्स के अंदर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो 8 से 8 कट गया, यानी A 7 और B 24, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन गया, A 7 B 24। ठीक है, दोबारा से ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि CCP स्ट्रक्चर है, A परमाणु कोने पर है, कोने हो गए 8, यानी कोणों पर परमाणुओं की संख्या 8 होगी, किसी स्थिति में कोने का एक परमाणु क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, यानी 8 में से एक कोना है वो खाली हो गया, तो कोणों पर परमाणु कितने बचे, 7 बचे, तो 1/8 × 7, ठीक है, 7/8 हो गया, और ये बी के कुल परमाणु आई गए। तो इस तरीके से अपने कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा दूँ, जैसे इसी स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ा देते हैं, कैसे कि ये क्वेश्चन बन गया अपना कि CCP संरचना में A परमाणु कोने पर उपस्थित है, B परमाणु फलक पर है तथा C परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में, चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थित है, रिक्तियों में स्थित है या उपस्थित है। आपको क्या लिखना है, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे, तो वही तरीका आपका क्या कि ए के कुल परमाणु क्या होंगे, कोने पर है, 1/8 × 8, यानी ए का कुल परमाणु कितना हो गया, 1। ठीक है, बी के कुल परमाणु बी कहाँ पे है, फलक पर 1/2 × फलक कितने, 6, तो ये हो गया 3। सी के कुल परमाणु अब सी के कुल परमाणु कितने होंगे, इसने क्या बोला है कि सी परमाणु है वो कहाँ पे है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में। और वापस से गौर कीजिए कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होती है, 2n होती है, जहाँ पे n का मान क्या है, अवयवी कण, और अवयवी कण किस में, इकाई कोष्ठिका में, और इकाई कोष्ठिका कौन सी, CCP। अब CCP में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी,
जो n का मान यानी 4 होगी, ठीक है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी, 8, यानी C के कुल परमाणु कितने हो गए, 2 × 4, ये 4 किसकी वैल्यू है, ये 4 है n की वैल्यू है, अब ये विकर्णों की संख्या है, तो C के कितने परमाणु हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो अपने पास कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया AB3C8 हो गया, ये कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया अपने पास, ठीक है। इसी तरीके से अपने और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसी जगह पे अगर HCP का नाम लिख दूं, ठीक है, और B परमाणु मैं कर देता हूं अष्टफलकीय रिक्तियों में, B परमाणु को कहां पे कर देता हूं, अष्टफलकीय रिक्तियों में, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लिख लेना, और C परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में है, के 2/3 भाग में है। अब आपको क्या लिखना है, इसका सूत्र लिखना है, यानी क्वेश्चन क्या बन गया कि HCP संरचना में A परमाणु कोने पर स्थित है, B परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों पर है, रिक्तियों में है, अष्टफलकीय रिक्तियों में है, ठीक है, और C परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों का कितना भाग घेरता है, 2/3 भाग घेरता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, वही बात, तो सबसे पहले अपने क्या निकालते हैं, A के कुल परमाणु, A के कुल परमाणु, और A के कुल परमाणु कितने हो गए, 1/8 × 8 बराबर 1 हो गया। B के कुल परमाणु, तो B के कुल परमाणु कितने होते हैं, जो n का मान होता है वही होता है, और n का मान HCP संरचना के अंदर n का जो मान होता है वो कितना होता है, 6, तो B के कुल परमाणु कितने आ गए, 6 आ गए। इसी तरीके से C के कुल परमाणु कहाँ पे है, C के कुल परमाणु कहाँ पे है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में, और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होती है, 2 × 6 2n, और n की वैल्यू 6 होगी, 2 × 6 ये होगी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, और इसके कितने बटे भाग में है, 2/3 भाग में है, 2/3, 2 × 4 × 8, यानी टोटल परमाणु कितने हो गए, 8 हो गए। तो यो कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया AB6C8, ये कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। कोई भी किसी भी तरीके का चाहे क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं ना। तो इस तरीके के आपको बुक्स के अंदर और बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, वो एग्जांपल आप करके देखना, जहां कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने कि किस तरीके से कंपाउंड के फॉर्मूले बनाते हैं। थोड़ा सा मैं इकाई कोष्ठिका के घनत्व के बारे में बता देता हूँ, जो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको, और इस क्लास में मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यूनिट सेल के घनत्व से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इकाई कोष्ठिका का घनत्व, इकाई कोष्ठिका का घनत्व, ठीक है, और इस घनत्व को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस घनत्व को कैलकुलेट करेंगे, घनत्व का फॉर्मूला dN × m / a³ × n। शायद मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी बातें बताई हुई है, आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे कॉपर FCC संरचना में क्रिस्टली करता है, FCC संरचना में क्रिस्टली करता है, ठीक है, ये हो गया। इसके कोर की लंबाई, कोर की लंबाई 216 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तथा 216 आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉपर का मूल द्रव्यमान दिया है 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ध्यान करना आप इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको दिया क्या क्या है।
सबसे पहले एफसीसी संरचना है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कॉपर का मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है 63.5 ग्राम पर मोल दे रखा है, ठीक है, ये ग्राम पर मोल के अंदर दे दिया। कोर की लंबाई दे रखी है 216 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 216 ये ग्राम के अंदर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलें या मीटर में, सेंटीमीटर के अंदर, तो इंटू 10^-8 सेंटीमीटर, ये चीज़ मेरी लिखवाई हुई है आपको। और एन ए अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 × 10^23, ठीक है। कैलकुलेट क्या करनी है आपको, डी कैलकुलेट करना है, ठीक है, डी कैलकुलेट कर लेंगे, अपने वैल्यू पुट करो, डी इजिकल टू कितना आ गया, एन की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 63.5, ठीक है, और ए की क्यूब तो 216 × 10^-8 इसकी हो जाएगी क्यूब, और इंटू के अंदर आ जाएगा 6.022 × 10^23, और ये जो यूनिट है ये ग्राम के अंदर है, ये सेंटीमीटर के अंदर है, तो जो डेंसिटी आएगी वो आएगी ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, और इसको आप सोल्व करोगे तो जो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट बन जाएगी ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको दिए हुए होंगे, यहाँ पे मैं कॉपर का नाम ना दे कि मैं किसका नाम दे दूँ, एजी का, ठीक है। इसके अंदर अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करना आता है, तो मोलर द्रव्यमान पक्षांतरण करके आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और कोर की लंबाई के इनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन सी इकाई के अंदर क्या वैल्यू रखनी है, अगर आप एक ग्राम में एक किलोग्राम वाली वैल्यू गलतियां कर दोगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। जो चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर घनत्व के अंदर बताई है वो आप आते आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, तब आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला बनाना और बता देता हूं मैं, इस तरीके के सारे क्वेश्चन सोल्व करना, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बीसीसी संरचना में एम परमाणु कोने पर, एन परमाणु एन परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों में, अष्टफलकीय रिक्तियों में, तथा पी परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में, चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, ठीक है। आपको वही काम करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने कैसे लिखेंगे, तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो इसको अपने सोल्व कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम के कुल परमाणु, एम के कुल परमाणु, और एम के कुल परमाणु कितने होगी, 1/8 × 8, यानी एम हो गया 1। एन के कुल परमाणु कितने हो जाएंगे, तो एन कहाँ पे है, अष्टफलकीय रिक्तियों में, और बीसीसी संरचना है, बीसीसी संरचना के लिए एन की वैल्यू होती है 2, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की भी वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी एन के कुल परमाणु 2। और पी परमाणु है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, या चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो पी परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियाँ 2 × 2, ये चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी, और उसके कितने भाग में है, 1/3 भाग में, तो ये कितना हो गया, 4/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपने, एम कितना है 1, एन कितना है 2, और पी कितना है 4/3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो एम कितना आ गया, 3 आ गया, एन कितना आ गया 6, और पी कितना आ गया 4। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इस तरीके से। और 2016 के अंदर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है,
कि जैसे उसके अंदर है ना एक स्ट्रक्चर दे दी आपको सीधी, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या कुछ पूछा है, देखो ये स्ट्रक्चर बना दी, ये यूनिट सेल बन गई, ठीक है। इसमें अवयवी कण मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, क्या है कौन सी है इस तरीके से कोई डिनोट नहीं किया हुआ, और ये हो गया केंद्र, ठीक है। आपको बोल दिया गया कि ये जो परमाणु है वो कौन है, एम परमाणु है, यानी ये एक साइन बना दिया, और ये साइन के बराबर की कौन सा परमाणु है, एम परमाणु है, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, मान लीजिए ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया, जैसे ये मान लीजिए R परमाणु हो गया, ये हो गया S परमाणु हो गया, ठीक है, R परमाणु और S परमाणु। अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, गौर करना एक बात पे कि R के कुल परमाणु देखो कितने हो गए, R के कुल परमाणु, तो R के कुल परमाणु कितने हो गए, R कहाँ पे प्रेजेंट है, R को अगर आप देखो तो प्रत्येक कोने पर, ठीक है, और प्रत्येक कोने पर उपस्थित है, तो 1/8 × 8 प्लस एक कहाँ पे है, केंद्र में, तो ये टोटल के R के परमाणु कितने हो गए, 2, ठीक है। और इसी तरीके से S के कुल परमाणु कितने हो गए, तो S के कितने परमाणु हो गए, किनारे पर उपस्थित है ये, तो 1/4 × कितने किनारों पर है, 2, 2 × 4, 2 × 6 और 2 × 8, यानी ये भी कितना आया, ठीक है, यानी R 2 और S भी 2, जिसको हम क्या लिख देंगे, RS, ठीक है। इस तरीके से अपने कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर लेंगे, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट ये नहीं पूछा गया, जिसके अंदर आपको निशान लगा के दिए जाते हैं कि भी यहाँ पे ये परमाणु है और इस साइन से इसको डिनोट किया गया और इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ये चीज़ें पता है सभी की सभी, तो आप कोई गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। तो आप इसके जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह बचते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेना अपनी बुक में से देख के, ठीक है। थैंक यू सर।